मिले हो यूं ही। ये तुम क्या कर रही हो? फोन नहीं मिल रहा मुझे। मैं तो हमेशा से तुम्हें ही चाहता हूँ। मेरा सबका चोरी हो गया और तुम कह रहे हो कि मैं खामोश रहूं। मुझे अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस स्टेशन? आई थिंक इनको हार्ट अटैक हो रहा है। तुम्हारे लिए एक मैसेज है। कमरे में जाओगी बेटा तो मिल जाएगा। मैं जा रहा हूँ बेटा, तुमसे मिलकर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि तुमसे मिलकर जाने का हौसला नहीं है मेरे अंदर, और ना ही बताने का कि मैं वो तमाम चीजें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ जो तुम्हें अमेरिका वापस ला सकती है। बेटा तुम्हारा पासपोर्ट, तुम्हारा फोन, लैपटॉप, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ मेरे पास है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत स्मार्ट हो, इन सबको हासिल करना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। तुम्हारे और दाऊद के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने और दाऊद के रिश्ते को वक्त दो, सब्र और तहम्मुल से दाऊद को समझने की कोशिश करो। मैं जानता हूं कि दाऊद बहुत अच्छा लड़का है, उसकी अच्छाइयों को महसूस करो, बेसब्री से कोई फैसला ना करो। अगर फिर भी तुम्हें लगे ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल और तकलीफ देह है, तुम्हारा सबर जवाब दे रहा है, तो बता देना बेटा, मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगा। उम्मीद करता हूं तुम मुझे माफ कर दोगी। खुदा हाफिज बेटा, लॉट्स ऑफ लव डैड। बेटे सजाद और आतिफ। जी ताया जी। भाई दाऊद का कमरा तुम लोगों ने सजाया था ना? जी जी, हम दोनों ही सजा रहे थे। वैसे कैसा लगा? बहुत मेहनत की थी उस दिन हम लोगों ने। अच्छा था। अब ये मुझे याद करके बताओ कि जब तुम कमरा सजा रहे थे उस वक्त कोई गैर आदमी या कोई ऐसा शख्स तो वहाँ दाखिल नहीं हुआ जिसे तुम लोग नहीं जानते? क्यों, कुछ हुआ है क्या ताया जी? हम दोनों ही थे वहां। बात क्या है ताया जी? यार असल में ना वो कमरे से कुछ चीजें गायब थी। हैं? कुछ चोरी हो गया क्या? अब इन दोनों ने चोरी नहीं की। आपने हमको चोरी के शुभ में बुलाया है यहाँ? हाँ दाऊद भाई जी। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। बेसिकली मुझे तुम दोनों पे डाउट था कि तुम दोनों ने मेरा सामान चोरी किया। But I was wrong. ये अच्छा नहीं किया हमारे साथ तुमने दाऊद। तो आपको चोर लगते हैं ताया जी? चलिए आतिफ। रुको सजाद, आतिफ रुको बेटा। मैंने क्या किया है? जो कुछ हुआ है अच्छा नहीं हुआ। क्या हुआ भाभी?
लोगों के घर में वलीमे की तकरीब होती है ना, मेरे घर में तफ्तीश हो रही। क्या मतलब? उस किम की चोरी के सिलसिले में अब्बा जी ने सजाद और आतिफ को बुलाया है। मुझे तो लगता है हर एक से हमारे ताल्लुकात खराब करके दम लेगी ये लड़की। अब्बा जी संभाल लेंगे, आप परेशान मत हैं। वैसे ये बड़ों से बात तो नहीं हुई थी वलीमे की? इसलिए कि नवीद भाई जान छुड़ा कर अमरीका तो चले गए, ये बला हमारे गले डाल के। हाय, आज शाम वलीमे का क्या प्रोग्राम है या नहीं? पता नहीं, कल किसी ने जिक्र तो नहीं किया। इतने हजारों डॉलर कमा लिए बशारत भाई ने, शानदार सा वलीमा तो करें। खुदा का वास्ता ये बात किसी के सामने कर ना दीजिएगा, वो तो चलते फिरते मैंने बात सुन ली। अरे मैं कौन सा ढंडोरा पीट रहा हूँ इस बात का। तुम एक काम करो, अपने अब्बा को फोन करो, हम लोगों की दावत करते हैं। भाई वो वलीमा नहीं कर रहे तो ना सही, हम दावत तो करें उनकी। दावत? हम? इसमें हैरान होने की क्या बात है? इससे पहले तो कभी आपने मेरे घर वालों की दावत नहीं की। अरे तो आज से पहले तुम्हारे खानदान में सिर्फ हमारी शादी हुई थी, कि अपनी दावत खुद करते? नए शादीशुदा जोड़े की दावत तो करते हैं ना, और फिर हमें हुस्ना और दानियाल का भी तो सोचना है। भाई हुस्ना से पूछ लें वो करना भी चाहती है कि नहीं, और अगर हुस्ना मान भी गई ना तो अब रजिया भाभी नहीं मानेंगी, लिखवा लें आप मुझसे। अरे वो दोनों मानेंगे, वो दोनों मानेंगे। तुम बस अपने अब्बा को फोन करो, उनकी दावत करो, फिर हम देखते हैं। बरी में हमने तुम्हें इतने सूट लेकर दिए, तुम्हारे बाप ने इतनी शॉपिंग करवाई, इसलिए कि तुम फिर से उसी होलिये में घूमती फिरो। रजा में वो नहीं बन सकती जो आप चाहती हैं। जब मैं चले जाऊंगी तो अपनी पसंद की बहू ले आइएगा, एक बार मुझे चाय दे दे। शाह खुदा, सुन रही हूँ इसकी बातें? खेल तमाशा है इसके लिए। बीबी, पूरे खानदान को बुलाकर तुमने मेरे बेटे के साथ शादी की है, निकाह हुआ है तुम दोनों का, मजाक नहीं है। जब मैं चली जाऊंगी वो बताओ। मैं आपकी बहू खुनाम नहीं हूं, क्या मुझे ऑर्डर्स देती रहती हैं, अपनी मर्जी के कपड़े पहनाने की कोशिश करती हैं। क्या जरूरत थी दाजी के कमरे में आने की? सॉरी करने आई थी। सॉरी करने आई थी? मुझे और दादाजी को शर्मिंदा करने आए थे। जब हम कह रहे हैं कि आतिफ और सजाद ने चोरी नहीं की, फिर भी सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी दूर करने के लिए उन दोनों को यहां बुलाया, और एकदम से तुम कमरे में आके कह रही हो कि इन्होंने चोरी नहीं की। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने सच बोला था और सॉरी भी तो किया है। हर जगह सच बोल के मेडल लेना जरूरी नहीं होता, फजूल का सच बाजुकात रिश्तों को निकल जाता है। अपनी सच की जबान बंद रखती तो ना ही आतिफ हर्ट होता, ना ही सजाद, और ना ही कुछ शक होता उनको अपने आप पे। मैंने तो उसे सहिया कह दिया। इसने पूछे इससे, इससे क्या पूछूं मैं? पर क्या? कुछ नहीं, डैड ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ।
उन्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर रहूंगी? कुछ ऐसा यहाँ रहोगी तो यहाँ के लोगों को, उनके रवैयों को समझ जाओगी, सीख जाओगी। मैं झूठ नहीं बोल सकती। वो सच जो किसी को तकलीफ दे उससे चुप रहना बेहतर है। हमारे यहाँ रिश्तों और ताल्लुकात की बहुत अहमियत होती है। अगर रिश्ते तकलीफ दे भी हो ना तो हम उन्हें निभाते हैं। ये तो वक्त के साथ से आती है। इंसान को सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। प्यार करने वालों का भी तो हम पर हक होता है ना, और कभी कभार ये हक खुद से ज्यादा प्यारा हो जाता है। दाऊद बहुत गुस्से में है, जाओ जाके उससे बात करो। नहीं, मैं नहीं करूंगी। जाओ जाके उससे बात करो। सॉरी। क्या तुम सॉरी कह रही मुझसे? वो भी मुझसे हैरत है। वैसे अब तुम्हारी सॉरी का कोई फायदा नहीं, जो डैमेज होना था वो तो हो गया। वैसे तुम्हें सॉरी करने का ख्याल था सर? क्या तुम्हारी सारी गुमशुदा चीजें मिल गई? क्या करोगे, यहां कैसे रहोगे? तुम्हें तो पाकिस्तान और यहां के करप्ट लोगों के साथ रहने नहीं था। बहुत मुश्किल होगी। डांट कुछ भी कर ले, मैं यहां नहीं रुकूंगी। पासपोर्ट रीइश्यू करवाना कोई इशू नहीं है मेरे लिए। जिस दिन मैंने ये फैसला ले लिया कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना, तो मैं एक लम्हा नहीं लगाऊंगी यहाँ से जाने में। मुझे भी तुम्हें यहाँ रोके में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन अब तुम्हें यहाँ रुकने पे मजबूर कर लेना मेरी जिद बनती जा रही है। तुम रोक कर दिखाओ, मैं तुम्हें चाह कर दिखाऊंगी। What a coincidence. Never think that you fall out here. उनको बोल दो कि दाऊद मुझ पर बहुत जुल्म कर रहे हैं, मार रहे हैं मुझे, कि मैं फौरन लेने आ जाएंगे। नो? मुझे डैड से कोई बात नहीं करनी है, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सच बोल के तुम्हें जीत के दिखाऊंगी।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम नवीद अंकल। ये क्या है? गुड्डू देकर गया है। सजाद भाई और आते भाई के घर वालों ने वापस कर दी मिठाई। देखा, वही हुआ ना जिसका डर था। कौन बर्दाश्त करता है कि उस पर चोरी का इल्जाम लगे? छोड़े अम्मी, गलत फहमी थी, ठीक हो जाएंगे। बेटा, एक बार दिलों में अगर मैल आ जाए ना तो आसानी से नहीं जाता। बुराना मनाना, मैं बात कर लूंगी अम्मी से। इट्स ओके, हालतें भी तो मेरी है। सुरैया, तुम मुझे सजाद के घर ले जाओगी? मैं खुद उसे सॉरी कहूंगी। नहीं नहीं, क्या जरूरत है, छोड़ो। क्यों नहीं जरूरत? मैं नहीं चाहते कि मेरी वजह से तुम लोगों का रिलेशनशिप खराब हो। किम, इसमें ना दादा बहुत खफा हो जाएंगे। तुम मुझसे होंगे ना, तुम्हें तो मैं लेके जा रही हूँ। वैसे भी इस घर में हर कोई मुझसे खफा ही रहता है। चले? नहीं, मुझसे तो पूछ लो, मुझे नहीं जाना यार, डर लग रहा है मुझे। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो डरना नहीं चाहिए। चलो, आई हैव डिसाइडेड, लेट्स गो। प्लीज 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 यार। माशाल्लाह, तुम चाय अच्छी बनाती हो। जी शुक्रिया अब्बा जी। वो अब्बा जी, सजाद और आतिफ के घर से मिठाई वापस आ गई है। मिठाई वापस आ गई, बुरा हुआ। पता नहीं अब और क्या क्या बुरा होगा। अब तुम बातों को तूल मत दो, मैं खुद जाऊंगा उनके पास, समझाऊंगा उन्हें कि बच्ची यहां के माहौल से वाकिफ नहीं है, नादान है और गलत फहमी भी हो गया सब। वैसे अब्बा जी, नवीन भाई को ना यूं अचानक नहीं जाना चाहिए था। कुछ दिन तो रुक जाते, किन सेट हो जाती इस माहौल में तो फिर चले जाते। बेटी, मजबूरी थी उसकी। और हाँ, मुदस्सिर का फोन आया था। मुदस्सिर भाई? क्या कह रहे थे मुदस्सिर भाई? भाई, हम सबको दावत पे बुलाया है। सब कौन? भाई, दाऊद और कनीज फातिमा की शादी की खुशी में दावत रखी है उसने, इसलिए हम सबको बुलाया है। तो ये सबको बता देना। मतलब जाना होगा? न जाने का क्या सवाल होता है, मैंने हामी भर ली है। सबको कह दो तैयारी करें। और बशारत की तबीयत ठीक हुई या नहीं हुई? और ये दानियाल नजर नहीं आ रहा। अब्बा जी, बशारत अपने कमरे में है और दानियाल अपने किसी दोस्त की तरफ गया है। सब अपने अपने कमरों में और कामों में घुसे रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी को ताकर इस बूढ़े का हालचाल पूछ ले। खैर, तुम सबको बता देना तैयार रहे। जी अच्छा। यस माता, कंसल्टिंग रूम 2। यस, कॉल डॉक्टर जॉन ऑल्सो। यस, टेल हिम टू पुट अप द एक्सरेज। आई बी देयर इन आवर। ऑल राइट, ऑल राइट, ओके, ऑल राइट। हेलो डॉक्टर नवीद, हेलो डॉक्टर नवीद, आर यू ऑल राइट? हेलो डॉक्टर नवीद, कैन यू हियर मी? फोन तो उठा लो बरखुदार।
पहुंच तो गया होगा, लेकिन फोन कर देता बेटी को तो उसे कुछ तसल्ली हो जाती, कोई अकल आ जाती उसे। لا حول ولا قوة. You want to say something, Bhami? Then you called me. So I am. वो मुझे sorry करना था। अरे इतनी साफ और तुम? बच्चे वो तो आते हैं आंटी, बस यहाँ के लोगों की समझ नहीं आती, इसलिए चीज़ें गलत हो जाती हैं। मेरी चीज़ें चोरी नहीं हुई, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। आई होप आप सुरैया के घर वालों से भी नाराज़ नहीं होंगे। नहीं बेटा, हम नाराज़ नहीं हैं बिल्कुल भी। नहीं भाभी, हम क्यों नाराज़ होंगे? तो फिर आपने मिठाई क्यों वापस कर दी? वो दरअसल बेटा मुझे शुगर है ना, इस वजह से वापस कर दी थी। सजाद भाई आपको भी शुगर है? भाई साद आंटी, और तो आपने बहुत अच्छा किया कि आपने वापस कर दी। वो दूसरे लड़के का क्या नाम था? आतिफ। आतिफ भाई, आतिफ के घर वालों को भी शुगर है? उनका नहीं पता। वैसे आंटी आपको ना इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, तो इतने अच्छे इलाज आ गए, इंसुलिन सब कुछ। आपको एक्सरसाइज और वॉक करनी चाहिए। मैं देवूत से कहूंगी कि आपका इलाज करें, आपने वॉक करनी ताकि आप मीठा खा सके। हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर करूंगी वॉक में। बेटा तुम बाहर से आई हो ना? अमेरिका से आई हूँ माँ, अमेरिका से, बताया तो था। मेरे बेटे को भी बहुत शौक है अमेरिका जाने का, तुम इसके लिए कुछ नौकरी का इंतजाम करो ना। मैं नहीं, आप तो वीज़ा लगवा दें, नौकरी मैं वहाँ अगर खुद देख लूँगा। तो आप तो सिटीजन है ना वहाँ की, तो वो क्या कहते हैं, वो आप स्पॉन्सर कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं कर सकती। नहीं भाभी, देर हो रही है। हाँ आपने मुझे और डेविड की फैमिली को माफ़ कर दिया। अरे बेटा क्यों शर्मिंदा कर रही हो, बस तुम मेरे सज्जाद के लिए ना अमेरिका में नौकरी का इंतजाम कर। चले भाभी देर हो रही है, अच्छा खाला बाद में आते हैं हम। ओके आंटी, अपना ख्याल रखिएगा। कहाँ गए थे तुम लोग? दाऊद भाई वो कि सुरैया को मैं लेकर गई थी सजाद के घर, उससे सॉरी करने के लिए। मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों का रिलेशनशिप ख़राब हो मेरी वजह से। दिमाग सही है तुम्हारा। और सुरैया तुम, तुम्हें भी अकल नहीं है कि इसे उठा के बाहर ले गई सुनियो में? वो आने वाले बातें करेंगे। भाई मैं तो मना कर रही थी, भाभी जबरदस्ती लेके चली। और तुम लेके चल पड़ी, बोलिए देखा इसका? तो मेरा गुस्सा मुझ पे निकाला, सुरैया पे नहीं। जो कहना चाहते हो मुझसे साफ कहो। तुमसे तो बात करने फजूल है। अगर मुझसे कहना फजूल है तो सुरैया से भी मत कहो, इस समय इसका कोई कसूर नहीं है। और बाय द वे तुम्हारे मोहल्लेदार, आई मीन तुम्हारे नेबर्स, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मेरी सॉरी भी एक्सेप्ट कर लिया है और अमेरिका के वीज़े की फरमाइशें भी की हैं। ये बात तुम अब रजिया और दादा जान को खुद बता देना। सर अगर आज के बाद तुम कनीज़ फातिमा को मेरी इजाज़त के बगैर बाहर लेके गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? जी दाऊद भाई।
शुरू में डांट फिटवाते। और इसका प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन नहीं जाना था ना उधर। चलो अब। अजीब लोग हैं। छोटा गोश्त 25 किलो। तबीयत कैसी है आपकी? अब ठीक है। अल्लाह की शान देखें, कल फिरदौस और हामिद भाई ने हमारी फैमिली को खाने पर बुलाया। इससे पहले तो मजाल है जो कभी बुलाया हो। ईद, बकरीद, किसी भी त्योहार पर कभी झूठे मुंह नहीं पूछा। जब हामिद की नौकरी लगी थी ना, उस वक्त भी सिर्फ अब्बा जी को खाने पर बुलाया था। अब ऐसा क्या हो गया भला? अरे भाई, दाऊद की शादी जो हुई है, ये हुआ है और क्या हुआ है? अच्छा, वो जरा देखो, दाऊद का है, भेजो मेरे पास। सुनो, वो कनीज फातिमा की चीजें मिली? पता नहीं। पता नहीं? अरे जाओ देखो, पता करो और दाऊद को मेरे पास भेजो। ए, मुझे नहीं उसके मुंह लगना। फजूल सी लड़की। फजूल सी लड़की? ये जो सब आगे पीछे फिर रहे हैं, आओ भगत हो रही है ना, उस फजूल सी लड़की की वजह से है जो अब हमारी बहू है। जाओ जाकर देखो कि दाऊद कहाँ है, भेजो मेरे पास। ये आप क्या हिसाब किताब कर रहे हैं भाई? वो दाऊद के वलीमे के खाने का हिसाब किताब देख रहा हूँ। भेजो भाई दाऊद को। आप पहले जाकर अब्बा जी से मिल लीजिए, बार बार पूछ चुके हैं वो आपका। अपने बेटे से आप बाद में मिल लीजिएगा। बाबूजी बुला रहे, ठीक है, दाऊद से कहना वही आ जाए। बात करनी नवीद अंकल से, तुम मेरे फोन से कर लो। मुझे नहीं करनी। दादा जान, अब्बा, इन सबको बता दूं कि तुम्हारा लैपटॉप, फोन, सब जो मर्जी करो। तुम्हें कोई इशू तो नहीं है? मुझे शौक नहीं है तुम्हारे तरह छोटे छोटे बात का इशू बनाने का। कब तक नवीद अंकल से नाराज रहोगी? जब तक यहाँ हूँ। नवीद अंकल से बात नहीं करोगी या किसी को अपना नहीं समझोगी तो कैसे गुजारा करोगी? मैं अपना गुजारा खुद कर लूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। जो जी मैं वो करूं। ख्याल करो तो मुसीबत, ना करो तो मुसीबत। बशारत कल तैयार रहना, फिरदौस ने घर पे दावत रखी है। जी बाबूजी, रजिया बता रही थी, लेकिन वहाँ जाकर खाने पीने पर हाथ हल्का रखना। अरे बाबूजी, मैं तो बहुत थोड़ा खाता हूँ, असल में लोग मसाले इतने डाल देते कि गरानी हो जाती है। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दादाजी। वालेकुम सलाम बेटा। तुम्हारा मसाला हल हो गया? मिल गई चीज़ें? नहीं दादाजी, चीज़ें तो नहीं मिली। फिर वो कमरे की सेटिंग चेंज हुई थी, तो मुझे लगता है कि नवीद अंकल गलती से कनीज फातिमा का सामान अपने साथ ले गए। लो, उसकी बेटी ने या तूफान बर्पा किया हुआ था कि उसकी चीज़ें चोरी हो गई हैं। नवीद ने फोन किया? जी, मेरी बात हुई थी उनसे, वो पहुंच गए। मेरा तो फोन ही नहीं उठा रहा, हो सकता है बिजी हो। खैर, कल तुम और कनीज फातिमा तैयार है ना, फिर दोस्त फुफो ने दावत पे बुलाया है। जी जी ठीक है दादाजी। और एक चीज़ का खास ध्यान रखना, बीबी को समझा कर ले जाना कि ज़रा ढंग से तैयार होके चले। अब कोशिश करूँगा। ठीक है, अभी जाओ उसे कहीं बाहर घुमा फिरा खिलाओ, वो घर में बैठ बैठ कर तंग हो गई होगी। जी ठीक है दादाजी।
हाँ ये दानियाल कहाँ है? सुबह से उसने मुझे सूरत नहीं दिखाई है। दादाजी मैं अभी जाके देखता हूँ दानियाल के घर। ठीक है बेटा, सुनो जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना। जी जी ठीक है भाजी। ये वो दाऊद भाई की शादी की मिठाई। तुमने पूरी कोशिश की ना कि ये मिठाई तुम्हारी शादी की होती है ना, सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया ना तुम्हारी। वो तो खैर, उम्मीदों पर पानी तो हामिद के भी फिरा। हामिद भाई का क्या जिक्र है यहाँ? इस घर से भी तो रिश्ता गया था ना किम के लिए, लेकिन जो हुआ सो हुआ। मगर एक बात का तो यकीन हो गया मुझे कि रिश्ते हम लोग नहीं बनाते, वो तो खालिसतन आसमानों में बनते। दादाजी ने कितनी कोशिश की कि मेरी और किम की शादी हो जाए, लेकिन पता चाहता था कि मेरी दुल्हन तुम बनो। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, समझे तुम? तुम जैसा धोखेबाज और फरेबे इंसान मुझे बिल्कुल कबूल नहीं है, जो एक ब्लू पासपोर्ट के पीछे अपनी मोहब्बत को हरी झंडी दिखा दे। मुझे बस अब अपनी पढ़ाई पे फोकस करना और किसी चीज पे नहीं। हाँ तो मैं भी तो यही चाहता हूँ कि मेरी होने वाली बीवी हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड हो। अब मैं MBA करके अमेरिका चला जाऊँगा और वहाँ कोई जॉब शॉप कर लूँगा। तुम भी साथ चलना, कहीं एडमिशन ले लेना, पढ़ना जितना पढ़ना है। और तुम्हें जॉब कौन देगा? तो वहाँ जाके देख लेंगे ना। और वैसे भी दाऊद भाई तो जा ही रहे, नवीद अंकल स्पॉन्सर कर देंगे ना हम दोनों को, दादाजी बात करेंगे ना उनसे। दानियाल, दानियाल आया है क्या? जी जी, जी अंकल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा, कब आए? अब वो दाऊद भाई की शादी की मिठाई। दाऊद की शादी की मिठाई लाए हो? वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत ही मजे किया। आओ अंदर आओ, पप्पो से मिल लो, आ जाओ। ये दानियाल किसकी इजाजत से गया फिरदौस की तरफ? अपनी मर्जी से गया। मुझसे पूछ रहा था कि पप्पो के यहाँ जाके मिठाई दिया हूँ, तो मैंने कहा दिया आ ले जरा, ये इसकी खबर तो मैं लेती हूँ, समझती हूँ, बहुत अच्छी तरह समझती हूँ क्यों इतनी दावतें हो रही है, क्यों इतना प्यार उमट कर आ रहा है। उसना और दानियाल का रिश्ता तो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। हामिद के लिए किम का रिश्ता मांगा जा सकता है, मगर सुरैया के लिए नहीं। हालांकि फिरदौस अच्छी तरह से जानती है कि मैं सुरैया के लिए किस कदर फिक्रमंद हूँ, मगर कभी मेरी सुरैया का ख्याल नहीं आया उन लोगों को। आप भी तो बट्टा सट्टा नहीं करना चाह रही थी। हाँ तो क्या करती मैं? अंगूर खट्टे हैं यही कहकर अपनी खिफत मिटाती ना। बस अब दानियाल और हुस्ना के रिश्ते में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तुम बाहर चलोगे? कहाँ? यूं ही सैर करने, मेरे साथ डिनर पे? मुझे नहीं जाना। देखो मुझे पता है कि तुम अपसेट हो, इसलिए कह रहा हूँ।
ठीक है, मैं इसी तरह के कपड़ों में चलूंगी। ठीक है तो फिर आज मैं तुम्हारी बात मानूंगा लेकिन कल तुम मेरी बात मानोगे, मंजूर है? क्या मतलब? मतलब ये कि कल पप्पू ने हमारे लिए डिनर रखा है तो वहाँ प्लीज तुम इन कपड़ों में नहीं जाओगे। तुम लोगों का सबसे बड़ा मसला लड़की के कपड़े होते हैं। लड़की में चाहे जितनी भी अच्छाइयाँ हो लेकिन तुम लोगों को सिर्फ नजर वही आता है कि उसने पहना हुआ क्या। ऐसा ही है क्योंकि अच्छाइयाँ तो साथ रह के पता चलती हैं। तुम लोगों को आदत है ना दूसरों को देख के उनके बारे में राय कायम करना, उन्हें जज करना। अगर लड़की ने इस तरह के कपड़े पहने तो लड़की तो बुरी होगी। तुमने भी तो यही किया था मेरे साथ, टोपी पहनी है, दाढ़ी है, शलवार कमीज पहनी है, शलवार टखनों से ऊपर है तो टेररिस्ट ही होगा। ठीक है मैं चलूंगी। अब्बा से मिलकर आता हूं। आ मिले हो यूं ही।